देखा है कि कई प्रकार के अलग अलग पत्र होते हैं। हमने कई कई प्रकार के देखे, जैसे कि निमंत्रण पत्र, कार्यालय पत्र और आश्वासन पत्र, इतने देखे। और हम आज आगे बढ़ेंगे और दूसरे कौन कौन से पत्र होते हैं। अलग अलग प्रकार के अलग अलग पत्र होते हैं जिसमें हम आज देखेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई देगा, ये एक अनुमति पत्र है। क्या है? अनुमति पत्र। अनुमति यानी रजा लेना। कोई भी हो, अगर आप अपने पापा से कुछ भी चाहिए या कहीं बाहर जाना है तो आप उनकी अनुमति लेंगे कि पापा मैं जाऊं या नहीं जाऊं। मम्मी की भी क्या लेते हैं? अनुमति लेते हैं। यानी वो बोलेंगे कि हाँ बेटा जाना है तो आप जा सकते हो, वरना नहीं। उसी को कहते हैं हम अनुमति। अनुमति मांगना यानी जो आपको करना है उसके लिए उनको पहले बोलना पड़ता है। अगर वो हाँ कहते हैं तो भी वो कार्य आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अनुमति पत्र किसके लिए? यहाँ पर तो एक बच्चे ने अपने पिता को, जैसे कोई भी काम करते अपने पिता और माता के बिना हम कोई कार्य करते नहीं है, वैसे ही यहाँ पर प्रवास में जाने के लिए। आप सबको तो पता होगा कि प्रवास में जाने का मजा कुछ और ही होता है, वो भी विद्यालय में से, शाला में से। वो प्रवास जो आपके मित्र दोस्त सभी लोग जाते हैं उसमें, और उसका आनंद कुछ और ही होता है। हम लोग तो घर में जाते ही है, घर में साथ मिलकर सब लोग जाते, किंतु दोस्तों के साथ जाना एक अलग मजा होती है। वैसे यहाँ पर प्रवास में जाने की अनुमति यानी रजा के लिए पिता को पत्र, पुत्र ने अपने पिता को क्या लिखा है? पत्र। आप भी लिख सकते हैं, यदि आप कोई हॉस्टल या बाहर रह रहे पिता से दूर, तो आप अपने पिता को लिख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर जाना है, वहाँ जाना है, तो मुझे अनुमति दीजिए। तो किस प्रकार से लिखा जाता है यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पर ठिकाना लिखा है, जीवन भारती छात्रालय, जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद। यहाँ इस पत्र का क्या लिखा है? ठिकाना लिखा है कि स्टेशन रोड 29 सितंबर 2011 लिखा है यहाँ पर। देख लीजिए कि पूज्य पिताजी यानी पूजनीय आदरणीय पिताजी मेरे, कि पूज्य जिसे पूजा जा सके वैसे पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको सहज दिल से आपको नमस्कार करता हूँ यानी प्रणाम करता हूँ। आपका पत्र मिला, किसको मिला? उनके पुत्र को। आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता यानी सभी लोग हैं कैम यानी खैरियत है, अच्छा है, सब लोग घर में ठीक है। सबकी कुशलता जानकर बड़ी खुशी हुई। बड़ी क्या हुई? खुशी के हमारे घर में सभी अच्छा चल रहा है। अगर जैसे पत्र मुझे मिला, मुझे पता चला कि हमारे घर में सब खैरियत है, अच्छा है, यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई यानी बहुत आनंदित हुआ मैं। आप मेरी जरा भी चिंता ना करें, आप मेरे यहाँ पर बिल्कुल यानी थोड़ी सी भी चिंता ना करें, क्योंकि मैं भी यहाँ पर आनंद में हूँ, मजे में हूँ। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आपको सूचित करना यानी कि आपको बताते हुए, आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी, कक्षा यानी क्या कहेंगे कक्षा को, मुझे अपना धोरण कही कि हमारा क्लासमादी हमारा धोरण आदि, हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी यानी सभी छात्र अगले महीने की 17 तारीख को, अगले महीने की 17 तारीख को अजंता इलोरा की गुफाएं देखने के लिए जाने वाले। आपने सुना होगा
ये जो गुफाएं है वो अजंता इलोरा की बहुत प्रख्यात नामांकित गुफा है यार कहा जाता है। तो यहाँ कहा गया है कि अगले 17 तारीख को अगले महीने की हम अजंता इलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ, यानी कि सम्मिलित होना यानी मैं भी उस प्रवास में जाना चाहता हूँ, या पुत्र की आशा है कि मैं अपने पिता को बताऊँ कि उस प्रवास में मैं भी सम्मिलित होना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर जो जाने वाले प्रवास यात्रा में उस स्कूल बस की क्या हो गई व्यवस्था हो चुकी है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा, कितने दिन का? यह प्रवास 3 दिन का रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा। क्या कहता है? यह प्रवास 3 दिन का रहेगा, उसका कितना? 800 रुपये क्या आएगा? खर्चा आएगा। इस प्रवास में बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। इस प्रवास में क्या कहते हैं? दर्शनीय यानी देखने लायक। दर्शन करें हम जैसे कुछ भी देखकर हमें आश्चर्यचकित हो जाते हैं, दर्शनीय यानी देखने के लायक स्थल यानी स्थान जो भी है वो हमें क्या देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी यानी दोस्त मित्र समानार्थी शब्द दोस्त मित्र जैसे कि मनीष साहिल श्रेया जाकिर वहीदा जुर्मित और देवी ये सभी लोग इस प्रवास में जाने वाले हैं। ये सभी मेरे जो फ्रेंड्स मेरे दोस्त हैं इस प्रवास में क्या करने वाले हैं? जाने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। क्या कह रहे हैं? मैं भी इस प्रवास में शामिल होना यानी हमारे दोस्तों के साथ मित्रों के साथ मैं भी उसमें जाना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा यानी कि मैंने आपको पत्र भेजा है उसके द्वारा आप मुझे दूसरा पत्र लिखकर आप पत्र के द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति देंगे, अनुमति यानी जाने की आज्ञा कि हाँ बेटा तुम जा सकते हो, अनुमति देना यानी आज्ञा देना, कोई बात नहीं बेटा तू जा सकता है, कि इस प्रवास में जाने के लिए मुझे अनुमति देंगे और 800 रुपये भी मनी ऑर्डर से, कितने रुपए? 800 रुपये मनी ऑर्डर यानी पोस्ट से। कई लोग होते हैं जो मनी ऑर्डर करते हैं जैसे कि आउट ऑफ कंट्री होते हैं वहीं से अपने परिवारजनों के लिए वहीं से मनी ऑर्डर करता है, जो पोस्ट वाला आता है वह मनी ऑर्डर अपने घर पे अपने ठिकाने पर ले आता है। वैसे ही यहाँ पर लिखा है कि एक ऐसा पत्र और मुझे जाने की अनुमति कि तुम जा सकते हो और उसके साथ 800 रुपये और मनी वो भी मनी ऑर्डर से भेजने की क्या करें कृपा करें मुझ पर मेहरबानी करें कि मुझे जाना है उसमें 800 रुपये मनी ऑर्डर के द्वारा और अनुमति दोनों भेजिए कृपा करके यानी विनंती से। पूजनीय माता जी को सादर प्रणाम और यहाँ से उनकी माता को भी कहा गया है कि पूजनीय माता जी यानी माँ को सादर प्रणाम में दिल से क्या कहता हूँ उनको नमस्कार करता हूँ प्रणाम करता हूँ। सोनल को प्यार जो बहन है मेरी सोनल उसका नाम है उसको मेरा प्यार आपका आज्ञाकारी पुत्र आज्ञाकारी वाली कि आप जो भी कहते हैं उसका पालन करने वाला आज्ञाकारी जो मैं आज्ञा करता हूँ और जो आप लोग कार्य करते हैं वैसे ही यहाँ बाप और पुत्र सॉरी पिता पुत्र का आज्ञाकारी पुत्र कहा गया है जिसका नाम है रमेश। ओके और आगे हम दूसरा देखेंगे। थैंक यू। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जैसे कि हमने देखा अगला पत्र अभी और उसके बाद है अभी अनुमति पत्र हमने देखा कि पिता अपने बेटे ने लिखा प्रवास में जाने उसके बाद है दूसरा यहाँ पर व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र यानी एक व्यापारी गुजराती में कहेंगे एक व्यापारी बीजा व्यापारी ने व्यवसाय माटे એટલે જે પણ વસ્તુઓ આપને કરવાની હોય છે એના માટે પત્ર મેને આપકો પહેલે ભી કહા કે પત્ર ને અપના મહત્વ કામ
सॉरी महत्व कभी कम नहीं किया। पत्र का अपना खुद का एक महत्व है। आज भी सरकारी दफ्तरों में या ऑफिसों में पत्र के द्वारा कोई कार्य नहीं होता। पत्र के अलावा पत्र ही अपना एक खुद का महत्व रखता है। यहाँ पर व्यवसाय में भी ऐसा ही है। व्यवसाय यानी आपके पिता जो भी कार्य करते हैं व्यवसाय में, घर दुकान है, कोई भी कार्य छोटा या बड़ा धंधा करते हैं, उसमें भी व्यवसाय पत्र यानी कैसे, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण से यहाँ पर देखा गया है कि पुस्तक भेजने के लिए, यानी जो आप किताबें पढ़ते हैं पुस्तक भेजने के लिए एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को यह पत्र भेजता है। कैसे? अगर आपके पिताजी कोई भी कार्य धंधे से जुड़े हुए हैं तो इस प्रकार आप तुम्हारे पिता को कह सकते हैं कि पापा हम ऐसे पत्र लिख सकते हैं यदि आपको कुछ काम हो तो। देखिए यहाँ पर पुत्र के सॉरी पुस्तक भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र, यानी मुझे जो भी पुस्तकें चाहिए एक व्यापारी दूसरे को कहता है कि उस विक्रेता यानी उस व्यक्ति को पुस्तक बेचने के लिए, यानी मैं जो भी लिखवाता हूँ यहाँ से जो भी वो तुम्हें भिजवाना पड़ेगा, उस विक्रेता को पत्र। यहाँ पर ठिकाना लिखा देखिए कि तारीख 10 जुलाई 2011, सेवा में व्यवस्थापक, सेवा में आप मेरे सेवा में व्यवस्थापक, सामने वालों को संबोधित किया है। यहाँ कहा तो कहा जाता है श्री गजानन पुस्तकालय, तो उसका हेडिंग होगा, उसका क्या नाम होगा, श्री गजानन पुस्तकालय सुभाष रोड वलसाड़ या वलसाड़ में। यहाँ पर संबोधित करते हुए लिखा कि महोदय, महोदय यानी सम्मान दिया है, जैसे कि हम किसी को सम्मान देते हैं कि बड़े भाई मित्र गुरु कोई भी सम्मान देते हैं, यहाँ पर महोदय से संबोधित किया है। मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है। मुझे क्या है, निम्नलिखित यानी कुछ पुस्तकों की मैं जरूरत है। निम्नलिखित पुस्तकें यानी जो मुझे चाहिए केवल वही, उन्हें आप डाक से यानी जो डाके हमारे घर पत्र लेकर आता है कहते हैं कि जो पत्र लेकर आए उसे डाकिया कहते हैं, और डाक से भेजने की कृपा करें यानी पोस्ट के द्वारा, हम कहते हैं उसे क्या भी कहते हैं कुरियर के द्वारा कहते हैं ना, कुरियर में हमारा सामान आता है। यहाँ पर भी वैसा है, उन्होंने आप डाक से भेजने की कृपा करें। देखिए तो किस प्रकार की पुस्तकें यहाँ पर मंगवाई गई है। पहले नंबर पर नन्हा कोश, यह पुस्तक का नाम है नन्हा कोश, जिनके लेखक है श्री रतिलाल नायक। यहाँ पर उनका पुस्तक के जो लेखक है उनका नाम भी लिखा है कि श्री रतिलाल नायक। दूसरी पुस्तक यहाँ पर देखिए नालंदा विशाल शब्द सागर, नालंदा विशाल शब्द कोश यानी शब्द का भंडोर सागर यहाँ पर कहा गया, शब्द सागर, इनके लेखक श्री नवल जी है। आगे देखते हैं यहाँ पर तीसरे नंबर पर बृहत हिंदी शब्द कोश, बृहत हिंदी शब्द कोश, ये सब किताबों के नाम है और उनके लेखक के नाम है। यहाँ पर देखिए डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा और दूसरे उनके साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा, यह दोनों इस किताब में बृहत हिंदी शब्दकोश में पाए गए हैं। अगला हम देखते हैं आगे, देखिए साहित्यिक मुहावरा लोकोक्ति कोश, साहित्यिक मुहावरा जैसे कि मुहावरा कोई भी छेड़ते हैं उस पर लोकोक्ति लोगों के लिए उक्ति यानी कुछ सुझाव कोश है इस पुस्तक का नाम, जिनके लेखक है हरिवंश राय शर्मा। देखिए हरिवंश राय और हरिवंश राय बच्चन में बहुत फर्क है। हरिवंश राय बच्चन भी एक कवि थे और यहाँ पर भी एक लेखक है जो साहित्यिक मुहावरा लोगों की कोश के द्वारा उनके लेखक है। आगे चलते हैं यहाँ से कृपया उपयुक्त उचित कमीशन काट कर, उपया करके यानी मेहरबानी करके यहाँ पर समझ के कृपया करके ऊपर यानी जो भी मैंने किताबें आपको पत्र के द्वारा लिखकर दिया है उसको उचित
कमीशन, यानी जो भी पैसे कम हो मेरा कमीशन काटकर, यानी पैसे कम कर कर सीख रहे बीपीपी से वॉल्यूम लेवल उससे भेज दीजिए, यानी मुझे बीपीपी से क्या कर दीजिए, उसे भेज दीजिए। कौन है यहाँ पर? भौतिक प्रतिशा, सॉरी प्रतिशा शांति भवन एन डी रोड रायपुर, जिसका पिन कोड नंबर है। देखिए आपको पत्र लिखने के समय उसका पिन कोड नंबर बहुत जरूरी होता है, जैसे आपको पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि राजकोट का पिन कोड नंबर क्या है, तो 360001। ओके, तो आपके पिता कोई धंधे से जुड़े हुए थे, ऐसे पत्र लिखकर कोई भी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से अपना सामान मंगवा सकते हैं। थैंक यू, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसे कि हमने देखा पत्र लेखन हमने सब देखी है, अभी दो जो बाकी है वो आपको गृह कार्य में करना है। कोई बात नहीं, हम उसे पीडीएफ में आपके जो आपको यहाँ से भेज देंगे और आपको लिखना है। उसके बाद हम देखेंगे पत्र लेखन और एवं डायरी। यहाँ पर हम आज डायरी के बारे में जानेंगे कि डायरी क्या है। देखिए डायरी लेखन, पहले तो डायरी किसे कहते हैं, लेखन यानी लिखना, डायरी में लिखना। जैसे कि डायरी शब्द, डायरी किसे कहते हैं, डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का, डायरी अंग्रेजी भाषा का शब्द, उसे हिंदी में क्या कहते हैं, उसे दैनंदिनी और दैनिक, हिंदी भाषा में दैनंदिनी और दैनिक दो कहते हैं। दैनिक यानी दिन प्रतिदिन हर रोज की घटना। आपने वो फिल्म तो देखी होगी जो क्या बॉडीगार्ड, और दूसरी फिल्म गजनी, उसमें आमिर खान ने अपनी पर्सनल लाइफ की जो भी दिन प्रतिदिन यानी दैनिक जो भी प्रतिक्रिया होती है उसका वर्णन किया है, और बॉडीगार्ड में सलमान खान ने भी लिखा है दिन प्रतिदिन की जो भी घटना घटित होती है उनके साथ अच्छा या बुरा, वह घटित बातों को उसमें वर्णन किया गया है। यहाँ पर डायरी लेखन में वैसे ही होता है, कोई भी व्यक्ति की निजी जीवन की कोई भी प्रसंग को उसमें अंकित किया जाता है, लेकिन कब पता चलता है कि वो आदमी नहीं होता और उसकी डायरी को देखा जाए, तब अगर वो नहीं है तो उसकी डायरी को खोलकर देखेंगे और पढ़ेंगे तो पता चलेंगे उनका जीवन निजी जीवन कैसा था। देखते हैं कि डायरी लेखन में प्रतिदिन यानी हर रोज का सुबह से लेकर शाम तक निजी जीवन यानी जो भी जीवन में निजी कार्य करता है सुबह से लेकर शाम तक जो भी कार्य घटित घटनाओं का क्या होता है उसमें लेखा जोखा, जो भी घटना घटित होती है उसमें लेखा जोखा हमें डायरी में मिलता है। सबको समझ लीजिए कि मुझे डायरी लिखने का शौक है, तो मैं पूरे दिन से यानी सुबह उठकर शाम तक मैं क्या क्या करता हूँ, क्या खाता हूँ, क्या पीता हूँ, कहाँ जाता हूँ, किनसे मिलता हूँ, कैसा व्यवहार होगा, क्या पढ़ता होगा, वही पूरे दिन की जो भी घटना मेरे साथ घटित होगी वह मैं एक डायरी में लिखता हूँ, और यदि मैं नहीं रहूँगा तो मेरे बाद उसी डायरी में से देखकर सभी लोगों को पता चलेगा कि मैं कैसा था। ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ से, कि उसमें उन घटनाओं का लेखा जोखा यानी लेखा जोखा जो उनके जीवन में घटित हुई घटनाओं का लेखा जोखा रहता है। डायरी पढ़ने से घटित घटनाओं, अगर किसी की भी डायरी हम पढ़ ले तो उसकी घटित घटना उसके साथ क्या घटना बनी थी, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, उसकी घटित घटनाओं की क्या होती हमें मालूम होती है, और वो कार्य क्या कर रहे हैं, तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती सच्चाई, तथ्य यानी सच्चाई जो हम पढ़ते हैं जब जब डायरी किसी की, तो उनके कार्य क्या कर रहे थे, उनके तथ्यों की हमें क्या मिलती है, जानकारी प्राप्त होती है। इसके साथ साथ व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन के उनकी प्रतिक्रिया, देखिए इनके साथ साथ दिया है अपने मन में, मेरे मन में यदि मैं लिखता
उनको, और कोई और लिखता है तो उनके मन में उठी प्रतिक्रिया, जो भी प्रतिक्रिया, संवेदना, दुख, हर्ष को उसमें प्रकट किया जाता है लिखकर, अभिव्यक्ति भी अंकित करता है। जो भी अगर आपको सुख है या दुख का, उसमें अंकित हम लिखकर डायरी में लिख सकते हैं, अभिव्यक्ति भी अंकित कर सकते हैं। इसलिए इसमें व्यक्तित्वता होती है, इसलिए इसमें व्यक्तित्वता यानी व्यक्तित्व का नेचर, उस व्यक्ति का जीवन का कैसा था वो हमें इस डायरी के द्वारा पता चलता है कि वह व्यक्ति कैसा था। डायरी लिखने किस प्रकार की, तो प्रतिदिन की होती है। सपोज के प्रतिदिन यानी कि ऊपर आज सपोज उन्होंने लिखे 3 तारीख है, तो लिखा जाता है कि तारीख 3 दिसंबर 2020। वैसे वहीं से शुरू होती है दिन प्रतिदिन, यानी सुबह से लेकर शाम तक मैंने जो भी कार्य किया उस तारीख के समय वहां पर अंकित किया जाता है। और वह साप्ताहिक यानी हफ्ते में, साप्ताहिक यानी 7 दिनों में एक बार, जो 7 दिनों का खत्म हो जाता है समय उसके बाद लिखा जाता है उसे साप्ताहिक। पाक्षिक यानी कि हफ्ते के ऊपर पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है। यह किस प्रकार लिखी जाती है, कई लोग अलग अलग लिखते रहते हैं, कोई पूरे दिन का लिखता है, कोई साप्ताहिक लिखता है, कोई पाक्षिक लिखता है, तो कोई मासिक यानी एक मंथ के बाद पूरे महीने में क्या क्या किया है कार्य वह लिखते हैं, और उसके द्वारा हमें पता चलता है कि व्यक्ति कैसा था। आगे बढ़ते डायरी लेखन की कुछ विशेषता है, अगर आप लिखते हैं तो उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए, यहाँ पर हम देखेंगे कि डायरी लेखन की विशेषता है। डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने चाहिए, कैसे गुण, डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। एक देखिए, डायरी लेखन में क्रमबद्धता हो वो बहुत ही आवश्यक है। सपोज के समझ लीजिए कि आप प्रतिदिन घटित घटनाओं को, प्रतिदिन घटित घटनाओं को लिखते हैं, यदि आप बाहर गए और एक दिन नहीं लिखा तो वो क्रमबद्धता नहीं होगी, अगर आप भूल गए तो इसमें विशेषता क्या होनी चाहिए कि डायरी में क्रमबद्धता हो, तो पता चले कि इसके बाद जो उस आदमी ने दूसरी तारीख या तीसरी तारीख या चौथी तारीख को क्या किया है। और आगे बढ़ते दूसरे, इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त सारगर्भित तथा वास्तविकता है। संक्षिप्त यानी बहुत विस्तार से नहीं, संक्षिप्त यानी छोटा, कोई भी प्रसंग हो तो हम पूरा तो नहीं लिखेंगे, लेकिन उसको संक्षिप्त में पूरा गर्भपात यानी जो सार कहना चाहते वह उसमें आ जाना चाहिए। विवरण यानी उसका लिखकर विवरण करना, संक्षिप्त होना चाहिए, सारगर्भित यानी ऊपर से शुरू से एंड तक का, सारगर्भित यानी शुरू से एंड तक का उसमें क्या होना चाहिए, विवरण होना चाहिए, तथा वास्तविकता यानी हकीकत, वास्तविकता यानी हकीकत उसमें होनी चाहिए, यह विशेषता है। डायरी लेखन में स्थान, कौन सी जगह, स्थान यानी तिथि, कौन सी तारीख है, घटना या तथ्य का रहस्य स्पष्ट, तथ्य का स्पष्ट रूप में क्या हो रहा है उल्लेख होना आवश्यक है। अगर आप डायरी लिखते हैं यानी कोई भी लिखता है तो उस घटना या तथ्य यानी क्या है उसका कहना, तथ्य स्पष्ट रूप में उल्लेख होना आवश्यक है, उल्लेख करना ही चाहिए। डायरी लेखन करते समय आलोचना, किसी की आलोचना करना, टीका करना, हम लोग सभी लोग की टीका कर रहे हैं, कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा बजाता है, कोई अच्छा कार्य कोई भी करता है, कोई रमत गमत में आगे है, कोई किसी भी में स्केल में कोई ना कोई किसी आगे होता है, तो कोई पढ़ा जाता है तो उसकी टीका टिप्पणी, उसे टिप्पणी भी कहते हैं, बनावटियन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, काल्पनिकता यानी सोचना, अनावश्यक विस्तार से
बचना चाहिए, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। अनावश्यक आवश्यकता का विलोम शब्द अनावश्यक, उनके विस्तार से क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। ये सब उसकी क्या है, विशेषता है, ये इतने उसमें डायरी लेखन में क्या होना चाहिए, विशेषता होनी चाहिए। आगे देखते हैं कि डायरी लेखन के लाभ, डायरी लेखन के लाभ देखें यहाँ पर, इससे जीवन में घटित घटनाओं की, इसमें जीवन में हमारे जीवन में पूरे घटित घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि गजनी फिल्म में उसमें आमिर खान ने प्रतिदिन की जो भी बातें हो रही थी या जो भी लिखा जोखा होता है उसने उसका क्या होती है, छवि होती है, डायरी के द्वारा पता चलता है कि ये व्यक्ति कौन था, अब ऐसा हो गया, अब नहीं है, तो उसकी जानकारी हम प्राप्त होती है। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है, ये बात समझ लीजिए कि डायरी में तथ्यों यानी सच्चाई, तथ्य जो होगा है वह उसका उल्लेख रहता है। इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है, दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इससे सैन बुराइयों से बचा जा सकता है, इससे हमें सैन बुराइयों से क्या हो जाता है, बचा जा सकता है कि हमें ये नहीं करना, हमें ये करना चाहिए, ऐसे सैन बुराइयों से बचना जा सकता है। डायरी ऐसा दस्तावेज है, देखिए यहाँ पर लगा है कि डायरी ही ऐसा दस्तावेज है कि जिसे पढ़कर किसी भी व्यक्ति के जीवन की, जिसे पढ़कर यदि आप लिखते जाए तो आपके जीवन के तथ्यों उसके बारे में मुझे पढ़कर किसी के व्यक्ति के जीवन की क्या है, पिछले अनुभव तथा घटनाओं की हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। तो डायरी लिखने के द्वारा हमें व्यक्ति के जीवन के, निजी जीवन के, उसके पिछले अनुभव तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। वह भी कैसे, संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों हमने देखा पत्र लेखन और डायरी लेखन, डायरी अलग है और पत्र लेखन अलग है, किंतु यहाँ उनकी विशेषताएं दिखाई गई है कि कैसे कैसे विशेषताएं होनी चाहिए और डायरी लेखन में कैसे लाभ होते हैं, उनके द्वारा हमें क्या क्या पता चलता है, उनके जीवन का लेखा जोखा हमें पता चलता है। कई लोगों ने अपनी अपनी दिन प्रतिदिन साप्ताहिक मासिक ऐसी डायरियाँ लिखी है। देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर इकाई 1-17 में पत्र एवं डायरी की समाप्ति कर ली है। मुझे आशा है कि आप सभी लोग इनका ध्यान पूर्वक अभ्यास करोगे और इनको आगे नोट्स में लिखोगे जो मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा, और आपको कोई भी एनी प्रॉब्लम हो तो आप हमें मैसेज द्वारा कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपका प्रश्न का उच्चारण यानी सवाल करेंगे उसे। देखिए यहाँ पे और आगे नेक्स्ट देखेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।